मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों के एडीजी, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसएसपी से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चौथी लहर को देखते हुए निर्देश दिया कि नागरिकों का कोविड टेस्टिंग तेजी से किया जाए, जिससे कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको सही इलाज देकर ठीक करवाया जा सके और अभियान चलाकर लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान करके टेस्टिंग कराई जाए और नागरिकों के कोविड टीकाकरण में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आज आईजीआरएस प्रकरणों का समीक्षा करते हुए समय पर निस्तारण किया जाए और अगर कोई फरियादी कार्यालय में आता है तो उसको उचित न्याय दिया जाए। अगर जिले में कोई घटना घटती है तो अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर उसकी रिपोर्ट शासन को भेजे। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविन्द्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, अपर प्रशासन अजय कांत सैनी, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शासन में सहयोगी बने, विकास खंड से लेकर के मंडल मुख्यालय तक के विकास के राजस्व के एवं मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप सबको संबोधित किया जाएगा। आज के संबोधन में सरकार की कार्य पद्धति के बारे में जो नई सरकार गठित हुई है वो हमारा जो फील्ड है सबसे जानकारी आपका वहाँ पे कैसे शासन की सरकार बनाते हैं, कैसे शासन के तमाम सारी चीज़ों पर ध्यान करते हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो इसके बारे में अपन मुझसे जो बात इसके बारे में आपको जानकारी देगी उसके बाद हमारे पब्लिक की जो कंप्लेंट जो पब्लिक की जो फॉर्म सारी बातें आती है उनके बारे में अपन उसी बारे में मंत्री जो आई आर एस का काम देते हैं वो इसके बारे में आपको जानकारी देगा। यही बताना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जरूरत समीक्षा भी करेंगे जिससे कि शासन की जो वहाँ पे आपके द्वारा सभी स्तर की उपस्थिति होती है सभी स्तर पर लोगों को महसूस होता है काम करने हम रिक्वेस्ट करूँगा। सबसे पहले अमित मोहन प्रसाद को कि वो कोविड के बारे में जानकारी अभी तो हमारे एक्टिव केस की संख्या 289 थी जो बढ़ करके आज 1384 इस तरह से 4 गुने से ज़्यादा का जंप हुआ है पिछले 14-15 दिनों में। इससे जो सबसे स्ट्राइकिंग बात है वो ये कि जो भी केसेस डेली आ रहे हैं उनमें से लगभग 80% जिनमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मीटिंग की थी सभी माननीय मंत्रीगण के साथ और उसमें उन्होंने कुछ बातों की ओर ध्यान केंद्रित किया है। एक बात तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी टेस्टिंग निरंतर होती रहनी चाहिए और जो टेस्टिंग के लिए आपको प्रोटोकॉल दिया गया है उसके अनुसार ही टेस्ट करना है। जो भी कोई पॉजिटिव होता है उसके जो हाउस होल्ड मेंबर्स हैं उन सभी हाउस होल्ड मेंबर्स की टेस्टिंग करनी और इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट सिम्टोमेटिक दिखाई पड़े उनकी टेस्टिंग है। जो कॉन्टैक्ट अवेलेबल के एसिम्प्टोमेटिक हो उनको आप अभी फिलहाल टेस्ट नहीं करें तो आप इस तरह से इस प्रोटोकॉल से आप टेस्ट करवाएं। दूसरी बात ये है कि जो भी हॉस्पिटल में केसेस आ रहे हैं आईएलआई के या सारे के जो केसेस होते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तो वो हर अस्पताल आईएलआई और सारे के केसेस की भी टेस्टिंग जरूर करवाएं और निजी अस्पताल से भी आप कहें कि आप ही करवाएं और सरकारी अस्पताल भी इस काम को जरूर करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि किसी जनपद में अगर केस आने लगते हैं और हमेशा यही होगा कि वो केसेस आपको प्राइवेट लेबोरेटरी से आएंगे। कई बार टेंडेंसी होती है लेकिन प्राइवेट लेबोरेटरी को केस दे रहा है कि नहीं काम कर रहा है उसको बंद कर दें ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। पैसेंजर को सूट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि उसी से हमको ये मालूम पड़ता है कि हाँ कहीं कोई सर्ज हो रहा है क्या हो रहा है तो टेस्ट सब जगह होने दीजिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेस्टिंग के साथ साथ
हम भी जो प्रोटोकॉल है इसके जो सीटी वैल्यू देता है आरटीपीसीआर जैसे इस समय हम लोग जानते हैं कि ओमिक्रॉन